बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब व्यूअर्स, ये पार्ट नंबर जो है वो है 3। और अगर ज़े है जैसे ज़ाम अल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युब आसू, तो साबे फ़ाल को दौलत और आली मरातब हासिल होंगे, दौलत का इसकी तरफ रुख होगा इंशाअल्लाह व ताला। और अगर सीन है, आयत अगर सीन से शुरू हो जैसे सलामुन अलैकुम तिब तुम फदखुलूहा खालिदीन, तो साबे फाल जो है, जो फाल निकाल रहा है, जैसा कि ऊपर सारा आपको बताया गया है कि किस तरह फाल निकालनी है और कितने वर्क पलटने हैं, आपने ध्यान से और सोच समझ के फाल निकालनी अपनी, तो साबे फाल सादतमंद होगा, बलियात से महफूज रहेगा मतलब बलाओं से, गम और रंज से निजात और दुश्मन पर फतह पाएगा, मुराद हासिल और हर काम हस्बे मंशा होता रहेगा, और अगर आग या पानी में भी जा पड़ेगा तब भी सलामत रहेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की शान बहुत अजीम है कलाम पाक के ज़रिए से। और अगर शीन है जैसे शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, तो साहबे फ़ाल को खुशखबरी होकर खुदा उसको जन्नत की शराब तहूर पिलाएगा और दुनिया में खुश व खुरम रखेगा, इसलिए उसको वाजिब है कि खुदा की इबादत में कोशिश व बलीग करे। और अगर स्वाद है, आयत स्वाद से शुरू हो रही है जैसे स्वाद वल कुरानी जिक्र, तो साहबे फाल जो चीज़ खुदा से तलब करेगा पाएगा और बख्त और दौलत उसके साथ रहेगी। और अगर ज़ुआद है जैसे ज़रबल्लाहु मसल लिल्लज़ीना आमनु मुरआत, तो साबे फाल पर रंज व गम मुसल्लत होगा और दुश्मन से ज़रर पहुँचेगा, ज़रर पहुँचने का एहतमाल है, मगर आखिर अंजाम में साबे फाल को साबे फाल की मुराद हासिल होगी और कामयाब होगा। और अगर तोएँ हैं जैसे तोहा मा अनज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्का, तो साबे फाल हर किस्म के गम रंज से और मुसीबत से पाक रहेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कुरान से फ़ाल निकालें, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और हमें इससे ही अपने मसाइल का, कुरान पाक से अपने मसाइल का हल ढूंढना चाहिए, ना कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं कि जैसे कि आप आजकल वीडियोस भी देख रहे होंगे कि जिनको कलमा भी पढ़ना नहीं आता और उन लोगों के पास जा के लोग बैठे होते हैं, अपने ख्वातीन को लेके गए हुए होते हैं और वो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो इसलिए घर बैठे अल्लाह ताला से मदद कैसे हासिल कर सकते हैं, कुरान से फाल निकालें। तो मुरव्विज दीन ने ये हमें बातें बताई हैं कि हम कुरान के ज़रिए अपने मसाइब और मुश्किलात का हल कैसे निकाल सकते हैं और कैसे अपने बारे में जो है हम जान सकते हैं कि खुशी है या गमी है। तो गमी का भी अल्लाह ताला ने हमें इलाज दिया है कि हम जो है वो सूरतें पढ़ें गम दूर करने की, मुश्किलात दूर करने की, मुसीबतें दूर करने की। मैंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाके उन आयात का एहतमाम कर सकते हैं और परेशानियों को दूर कर सकते हैं अपनी दुआओं के ज़रिए। ज़ाहिर है हम भी अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह कहता है कि मुझसे मांगो, सिर्फ मुझ ही से मांगो, मैं ही तुम्हें दूँगा। तो रब ताला ने देना, तो किसी बंदे ने नहीं हमें देना। अगर अल्लाह के वो नेक बंदे हैं ना, तो उन्होंने अल्लाह की इबादत की हुई है, इस वजह से वो नेक है। और अपने आप को शिर्क में मुब्तला नहीं कर लेना कि अगर वो बंदा नेक है तो हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से क्यों ना दुआ मांगे, अल्लाह ताला से हम क्यों ना डायरेक्ट हो जाएं कि बीच में हम किसी बंदे को डालें और फिर हम तीसरे नंबर पे आ जाएं। हम हों और अल्लाह ताला हों और बीच में कोई भी ना हो, और हमारी दुआएं हों और हमारे दिल की गहराइयां हों, नियत साफ हो, तो यकीन करें रब ऐसे ऐसे दरवाज़े खोलता है ना व्यूअर्स, ऐसे ऐसे दरवाज़े खोलता है रिस्क के कि आपको गुमान भी नहीं होगा कि ये कहाँ से हो गया, कैसे हो गया। इसलिए बस रब ताला से जुड़ें और दुआओं का एहतमाम करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन ज़्यादा चाहिए, अगर आपको मेरी वीडियोस चाहिए, कुछ अच्छी बातें